खोगी जोहार इंदो मिथल कुमार मिथल सर यूट्यूब चैनल रे बाउंस बैक सगुंदरम नवा स्पेशल वीडियो रे सनम को सगुंदरम नवा स्पेशल वीडियो रे दमयंती बेसरा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित एक ऐसी महान महिला संथाल महिला की कहानी बता रहा हूँ। दमयंती बेसरा उड़ीसा मयूरभंज प्रांत में जन्म लिए दमयंती बेसरा एक साधारण सी लड़की साधारण सी महिला संथाल महिला कैसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जाती है, कैसे वो अपने जीवन को इस लायक बनाती है कि राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, उनके जीवन की कड़वी सच्चाई आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ। पूरा जीवन बायोग्राफी आज मैं आपको बताऊंगा। तो जस्टी बांग बिलोम कटे दलाबन वीडियो दे स्टॉप लगे, चलो शुरू करते हैं। दमयंती बेसरा का जन्म सन 27 फरवरी 1962 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बोबरजोड़ा गांव में हुआ था। बोबरजोड़ा उड़ीसा मयूरभंज का ऐसा गांव है जो जंगलों के बीच बसा हुआ था। 90 किलोमीटर दूर उड़ीसा बरीपडा हेडक्वार्टर से 90 किलोमीटर दूर ये गांव था। उस समय की बात है जिस समय उस गांव में ना तो कोई भी शिक्षा की व्यवस्था था, ना तो कोई प्राइमरी स्कूल था, ना तो कोई सरकारी स्कूल थी, कुछ भी नहीं था। ऐसे जगह से निकल करके वो पद्मश्री अवार्ड को कैसे लेती है ये आज मैं बता रहा हूँ। तो उनके पिता राजमल माझी और माता पुंगी माझी की सबसे बड़ी बेटी थी दमयंती बेसरा, जिनका बचपन का नाम दिग्गजा था, जो संथाल कल्चर के हिसाब से उनके ग्रैंड मदर यानी दादी जी के नाम के हिसाब से उनका बचपन का नाम दिग्गज था। तो बचपन की पढ़ाई की शुरुआत उनके गांव में कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे जो एक झोपड़े में कुछ बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो दमयंती एज अ दिग्गज वो भी ज्वाइन कर लेती है उस बच्चों के पढ़ाई के साथ में। उन दिनों ना तो स्लेट हुआ करता था, ना पेन, ना पेंसिल, ना कुछ भी नहीं, वो मिट्टी में ही अक्षरों को लिखा करती थी। मिट्टी में ही अक्षरों को लिख करके लेटर्स लिखना वो शुरुआत की थी। यहाँ से उनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी। इसके बाद की बात मैं बताऊं तो उनकी पढ़ाई की ऐसी स्थिति थी, उनके एक अंकल हुआ करते थे, पैटर्नल अंकल यानी फूफा जी, जिनका कोई बच्चा वगैरह नहीं थी, जो कि दिवली में रहा करते थे, उड़ीसा मयूरभंज के दिवली में रहा करते थे उनके अंकल जी। तो अंकल ने जब देखा कि हमारी भतीजी इतना पढ़ने में रुचि रखती है कि मिट्टी में लिख लिख करके ये आगे बढ़ रही है, तो उनके कोई बच्चे नहीं होने की वजह से वो उनको अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको अपने घर ले आते हैं और उनको सरकारी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। यहाँ से इनके जीवन में एक नया मोड़ आता है, अंकल अडॉप्ट करके इनको सरकारी विद्यालय में दाखिला दिला देते हैं। एस दिग्गजा के बचपन में जो पढ़ाई था, इनके अंकल लेट बुद्धन माझी और इनके आंटी लेट मनी माझी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इनके शिक्षा दीक्षा के काम में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा जो स्कूल में हुई लेट दिवली में, क्लास 3 तक की पढ़ाई इन्होंने दिवली में कंप्लीट किया, दिवली विलेज जहाँ पे इनके अंकल रहा करते थे। बाद की पढ़ाई के लिए दिवली में भी स्कूल नहीं था, इसके लिए इनको 2 किलोमीटर दूर चंदीदा जाना पड़ा, जहाँ से इन्होंने अपने क्लास 4th और क्लास 5th की पढ़ाई को कंप्लीट किया। अब इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। अब इनको आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए अब इनको जाना पड़ा था रंगपुर। क्लास 4th और 5th की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद चंदीदा से अब आगे की पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए इनको TRW गर्ल्स हाई स्कूल में भर्ती कराया गया, जहाँ से इनकी हॉस्टल लाइफ शुरुआत हुई। चंदीदा से इनको रंगपुर में TRW गर्ल्स हाई स्कूल में भर्ती करा दिया गया इनके अंकल के तरफ से 4-5 कंप्लीट होने के बाद, ताकि ये आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सके। अब यहाँ से इनके लाइफ में एक नया टर्निंग आता है, इनका हॉस्टल लाइफ शुरू हो जाता है। 6 से कक्षा 7 की पढ़ाई के लिए रंगपुर के कन्या आश्रम में ही रहती है और उन दिनों ये कविताएं लिखना भी चालू कर देती है पढ़ते पढ़ते। सन 1977 ईस्वी में ये अपना मैट्रिकुलेशन पास कर जाती है, रंगपुर से ही अपना मैट्रिकुलेशन पास करती है। रंगपुर गर्ल्स हाई स्कूल से स्टडीज के बाद मैट्रिक करने के बाद इंटर की आगे की पढ़ाई करने के लिए रंगपुर में ऐसा कोई कॉलेज नहीं हुआ करता, जिसकी वजह से इनके अंकल ने इनको भुवनेश्वर रामदेवी वुमेन्स कॉलेज में एडमिशन करा दिया, जहाँ पे इनको हॉस्टल में फिर से रहना था, रामदेवी वुमेन्स कॉलेज भुवनेश्वर। जी हाँ, वहाँ पे इंटर की पढ़ाई अपना करना स्टार्ट की। उन दिनों हॉस्टल का फीस सिर्फ 60 रुपए हुआ करते थे, लेकिन ये 60 रुपए भी इनको पे करना बहुत मुश्किल था। इनको अपने परिवार की तरफ से 40 से 50 रुपए मिलता था खर्चा और हॉस्टल का फीस 60 रुपए हुआ करता, वो भी वो पूरी तरह से दे नहीं पाती थी।
इनके पास पहनने के लिए मात्र दो जोड़े कपड़े थे। ये दो जोड़े कपड़े में ही पूरा इतिहास रच चुकी है। सिर्फ दो जोड़े पहनने का कपड़ा हुआ करता था। फाइनेंशियल स्थिति, इनका जो आर्थिक स्थिति था, बहुत ज्यादा बुरा हुआ करता था, बहुत बुरा। ना तो अच्छा कपड़ा था, ना तो कोई व्यवस्था था। सिर्फ पढ़ने में मगर ये डेडिकेटेड थी, अपनी एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा अधीर थी और उसमें पूरा ध्यान देती, जिस वजह से हॉस्टल की जो मैट्रोन थी, हॉस्टल की जो मेड थी या हॉस्टल की जो माल कह सकते हैं, ब्रजेश्वरी ब्रजा दीदी या ब्रजेश्वरी मिश्रा, वो दमयंती से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और उनको कम फीस में, फीस पूरा नहीं देने के बावजूद भी वो उनको एक छोटी बहन के जैसा मानती थी, अपनी बहन के जैसा मानती थी और उसको आराम से हॉस्टल में रहने के लिए अलाउ कर दी थी, कम फीस में भी। वो अपनी पढ़ाई इसी तरह से करती रही। इतनी सारी दिक्कतों के झेलने के बाद भी वो अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आई। अपने एजुकेशन लेवल में हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स हमेशा लाई, नंबरों से पास हुई। 1989 में इन्होंने अपने इंटरमीडिएट को पास कर लिया। 1981 में अपने बीए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उड़िया ऑनर में। जी हाँ, उड़िया ऑनर्स पेपर में इन्होंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद ये उत्कल यूनिवर्सिटी में ज्वाइनिंग ले ली, एमए की डिग्री करी, मास्टर डिग्री कंप्लीट करी, अपनी एमए का डिग्री करी। लिंग्विस्टिक्स स्पेशल पेपर में इन्होंने एमए का डिग्री कंप्लीट किया। उत्कल यूनिवर्सिटी में डिग्री कंप्लीट करने के दौरान भी इनको हॉस्टल में रहना था, लेकिन हॉस्टल का फी नहीं दे वजह से ये मैट्रिक हॉस्टल जहाँ पे रहा करती थी वहीं पे रह करके उत्कल यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट की। तो 85 में दमयंती बेसरा ने अपनी सबसे पहला जॉब स्टार्ट किया, जॉब ज्वाइन किया, जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का जॉब संबलपुर में इन्होंने चालू किया। इस जॉब के दौरान ही उन्होंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा पास करके टाइपिस्ट कलर कम टाइपिस्ट का जॉब स्टार्ट किया, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के जॉब में स्टार्ट किया और ये इनका दूसरा जॉब था 1986 के आसपास। और इसके बाद ये अपने दूसरे जॉब को छोड़ देती है। 1987 में ये महाराजा प्रताप चंद्र कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन करती है और अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जॉब को छोड़ देती है। एज ए लेक्चरर ज्वाइन करना ये ज़्यादा बेहतर समझती है और वहाँ से ये अपनी कविताएं लिखना स्टार्ट करती है, ऐसे लिखना स्टार्ट करती है। एकमात्र पहली महिला जिसने संथाली भाषा में कई ऐसे पोएम, कई ऐसे कविताएं, कई ऐसे ऐसे, कई ऐसे संथाली हिस्ट्री और संथाली लिटरेचर की हिस्ट्री को संथाली भाषा में लिख करके प्रकाशित करके संथाली भाषा को एक अगले लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक ले जाने का काम शुरू करती है। सबसे पहली महिला बनती है जिसने संथाली भाषा का संयोजक, संथाली साहित्य अकादमी की तरफ से इनको संथाली भाषा के संयोजक का सबसे पहला माना जाता है, इनको सबसे पहला संथाली भाषा का संयोजक माना जाता है। संथाली साहित्य अकेडमी के तरफ से इनको वो सम्मान दिया जाता है, सबसे फर्स्ट संथाली कंट्रीब्यूटर के नाम से भी इनको जाना जाता है, दमयंती बेसरा को। इनकी जीवन की अगली कहानी स्टार्ट होती है जब जब उनकी शादी, 1988 में जीवन में एक नया मोड़ आता है, इनका विवाह, इनका बापला, इनका शादी गंगाधर हंसदा से हो जाता है, जो कि एक बैंक ऑफिसर थे, एक राइटर थे, एक लेखक थे और साथ ही साथ साहित्य के एक सबसे बड़े प्रेमी भी थे। दो साहित्य के प्रेमी जब आपस में मिल जाते तो कुछ अजीब सा कीर्तिमान होता है। 1990 में सबसे पहला इनका पोयम ओनोलिया राइटर पब्लिश किया जाता है कोयल फागुन, फागुन कोयल मैगजीन में। इसके साथ ही साथ द ग्रेट पंडित रघुनाथ मुर्मू पे ऐसे भी इनका पब्लिश होता है 1990 में। इनका ऐसे पोयम चलता रहता है। इसके साथ ही साथ इनके पति इनको इनकरेज करते हैं आगे की पढ़ाई भी कंप्लीट करने के लिए। 1993 में ये एमफिल की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं, पीएचडी कर डालती है और उड़िया लैंग्वेज में ही अपनी एमफिल की डिग्री को भी कंप्लीट करती है। आगे का लाइफ चलता है, इनके लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1994 में संथाली इतिहास में एक ऐसा कदम होता है, फर्स्ट एंथोलॉजी, पहली महिला के द्वारा पहला एंथोलॉजी जीवी झरना एंथोलॉजी लिखा जाता है, जिसके लिए संथाली राइटर एसोसिएशन की तरफ से पोएट ऑफ द ईयर 1994 में पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है दमयंती बेसरा को। सबसे पहली एंथोलॉजी लिखने वाली, संथाली भाषा में सबसे पहली एंथोलॉजी लिखने वाली महिला दमयंती बेसरा को पोएट ऑफ द ईयर का अवार्ड से भी सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद ये दूसरा एंथोलॉजी भी लिखती है, जीवी झरना के टॉप क्लास जाने के बाद, सबसे पहला एंथोलॉजी प्रकाशित होने के बाद ये कई ऐसे एंथोलॉजी लिखती है, दूसरे कई ऐसे एंथोलॉजी लिखती है जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। झरना फर्स्ट एंथोलॉजी के बाद ये कई ऐसे एंथोलॉजी में, स्पेशली सगेन सोनेट OOTOL ओगी आर जीती जोरी के अलावा कई ऐसे पोएट्री भी 1995 में ये लिखती है, कई ऐसे पोएट्री और एंथोलॉजी लिखती है। इसके बाद इनका ट्रांसफर गवर्नमेंट कॉलेज फुलबनी में हो जाता है।
बरीपड़ा में इनका ट्रांसफर हो जाता है, वहां पे ये एजुकेशन स्टार्ट करती है। सन 1996 ईस्वी में इनके लाइफ में और एक नया टर्न आता है। बरीपड़ा उड़िया फुलबनी में काम करने के दौरान ही 1996 ईस्वी में महान द ग्रेट पंडित रघुनाथ मुर्मू पे एक उड़िया भाषा में पुस्तक भी लिखती है। लिखने के दौरान ही अपना पोएट एसे और जो हिस्ट्री संथाली कल्चर रीति रिवाज से रिलेटेड हिस्ट्री इतिहास ये सब भी उड़िया और संथाली लैंग्वेज में लिखना जारी रखती है। और इनको पीएचडी का डिग्री भी दिया जाता है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बरीपड़ा की तरफ से। 2009 ईस्वी में सबसे खास रहा इनका जो पहला जो सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑनवर्ड जो एंथोलॉजी था साई सोनेट, सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया साई सोनेट जो एंथोलॉजी इन्होंने प्रकाशित किया। इसके अलावा संथाली भाषा की सबसे पहला महिला मैगजीन प्रकाशित करने का काम करती है 2011 ईस्वी में करमदर संथाली भाषा की सबसे पहला महिला मैगजीन प्रकाशित 2011 में करती है करमदर को। इसके बाद ये संथाली भाषा की सबसे बड़ा रिसर्चर, आदिवासी रिसर्चर, कल्चर रिसर्चर और अपनी काम स्वभाव, अपनी शांत स्वभाव, अपने प्रेम भाव और धरना से लोगों को कई ज्यादा प्रेम इनका सपोर्ट इनका मिला। 2020 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ऐसी थी हमारी दयामंती बेसरा जिन्होंने कई तकलीफों से अपने जीवन को यापन किया करते हुए आज के डेट में एक महान लेखिका, महान पोयम, महान रिसर्चर, महान व्यक्तित्व में से एक है दमयंती बेसरा। तो ऐसे ही लगातार वीडियो मैं आप तक लेते आ रहा हूं, फिर ऐसे ही वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं और दोबारा ऐसा ही कुछ खास वीडियो देखने के लिए आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, राइट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही लगातार वीडियो आपको हमारे चैनल में लगातार मिल रही है। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ में। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर। सनम को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।